पर आ रही बड़ी खबर, उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस के छठवें राउंड में भी बढ़त नजर आ रही है। 4,222 मतों से कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। आरएलपी के सीताराम नायक दूसरे नंबर पर है। देखिए, कांग्रेस आगे, आरएलपी सेकंड नंबर, भाजपा की अभी तक किरकिरी है, तीसरे नंबर पर है। भाजपा लगातार तीसरे नंबर पर बनी हुई है। मंत्री भंवर सिंह भाटी पहले से ही यहां पर सावधान थे और लगातार सबसे ज्यादा सक्रिय यहां पर भंवर सिंह भाटी रहे हैं। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, शुरुआती तौर से भंवर सिंह भाटी ने किस तरह से यहां पर तैयारियां की, इंतजाम किए, लगातार दौरे किए, कह सकते हैं कि अब तक के रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाकर रखी पहले नंबर पर, बड़ी बात है। बीजेपी सेकंड पर नहीं, थर्ड पर है। लेकिन निश्चित तौर पर श्वेता, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर है यही है कि भाजपा तीसरे नंबर पर है, सीताराम नायक आरएलपी के दूसरे नंबर पर है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अब मुझे लगता है ऐसी बढ़त की तरफ बढ़ रही है जो मुझे लगता है कि अब पार्टी नहीं जा सकेगी। 4,222 छठे राउंड में बढ़त है और तकरीबन ये बढ़त जो इलाके हैं वो कांग्रेस बाहुल्य वाले हैं, तो मुझे लगता है वहां कांग्रेस और बढ़त लेगी। और आप ठीक कह रही है, मंत्री भंवर सिंह भाटी दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिल्कुल यशमैन की तरह काम करते रहे। मैं लगातार वहां पर जब था तो देख रहा था कि सीएम से लगातार फीडबैक ले रहे थे और उन्होंने बहुत ही कम बोलते हुए ये कोशिश करते हुए कोई विवाद ना बने। आपको ध्यान होगा वहां पर किस तरह बाड़ों पर पॉलिटिक्स हुई, किस तरह से नाथी का बाड़ आया। लेकिन इन सब के बीच में मंत्री भंवर सिंह भाटी बिल्कुल शांत रहते हुए एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने किया। नसीम अख्तर इंसाफ, डूंगाराम गैदर, इन लोगों को साध कर उनकी कोशिश थी। जो जिला अध्यक्ष है वहां पर पवनलाल पुजारी, ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने उतारा, बी डी कल्ला वहां पर गए। तो ये तमाम चीजें इस तरह से की गई कि ये बात समझ में आ रही थी कि आरएलपी यहां पर जो है खेला कर सकती है, अगर हम बंगाल की भाषा में इसे कहें, और वो खेला उसने किया भी है। आप समझिए, हनुमान बेनीवाल ने एक प्रत्याशी को उतारा जो पहले चुनाव लड़ता रहा है, लेकिन यहां पर जिस तरह से वोट मिले, खासतौर पर किसान जो मैंडेट है, अगर हम अभी तक जो देख पा रहा हूं मैं, आंकड़े जो समझ पा रहा हूं, किसान मैंडेट आरएलपी की तरफ गया है, जबकि होना यह चाहिए था कांग्रेस को किसान वोट की बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये ठीक रहा यहां पर कि वो भाजपा के साथ नहीं गए। तो मुझे लगता है ये जो सुजानगढ़ सीट है, दरअसल इसमें कांग्रेस को जो फायदा हुआ है आरएलपी के लड़ने से भी हुआ है, लेकिन यहां पर अगर हम समझे इस बात को तो कांग्रेस की ऐसी बढ़त है जो अब उसको एक तरह से आराम की दशा में ले जा रहा है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट आगे नजर आ रही है। और ये एक और बात मैं आपको जोड़ दूं, ये पहली बार होगा, हालांकि ये बाई इलेक्शन है, सुजानगढ़ ऐसी सीट रही है जहां पर लगातार दो बार कोई पार्टी नहीं जीती है। यहां पर ऐसा हमेशा हुआ, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। आप जानते हैं मास्टर मोहनलाल मेघवाल दिग्गज नेता रहे, दलित नेता थे, और जिस तरह से उन्होंने 5 बार इलेक्शन जीता और कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो एक बात यहाँ ये भी है कि मनोज मेघवाल के साथ मास्टर मोहनलाल मेघवाल के परिवार की सहानुभूति भी बड़ा फैक्टर रही। और यही वजह है कि इन सब के बीच में, क्योंकि हम देख रहे थे बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार यहाँ पर कुछ लोगों को फोन भी किए जो क्षेत्रीय छत्रप थे, उनसे कोशिश थी कहीं ना कहीं कि उनको ये फीडबैक था कि वोट छिटक सकते हैं। तो मुझे लगता है आरएलपी ने यहाँ निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाया है, दोनों दलों को पहुंचाया है, लेकिन कांग्रेस अभी कंफर्ट जोन में यहाँ पर नजर आ रही है। कंफर्ट जोन में कांग्रेस है और ज्यादा नुकसान कह सकते बीजेपी को, क्योंकि आरएलपी ने उसकी जगह ली, सेकंड नंबर पर है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे लक्ष्मण, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सुजानगढ़ की जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, सुजानगढ़ को लेकर पहले से ही तय थे, कांग्रेस भी यहां पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी आयुषी, कि सुजानगढ़ तो हम जीत ही रहे, सहाड़ा जीत रहे, उसके बाद राजसमंद को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट हो गए।